गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जोग जल प्रताप। ठीक है, देखिए आप हमको जो भी जल प्रताप के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उसके बारे में क्या होता है, स्टैटिक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जल प्रतापों के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 या 3 मिनट की क्लासेस है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आप 2-4 घंटे की हो, तो 2-3 पॉइंट में आपका नंबर बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पूरी क्लासेस एंड तक देखिए 2 या 3 मिनट से, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे अच्छे से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो आज आपको किसके बारे में पढ़ना है, आज पढ़ना है जो जल प्रताप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि ये जल प्रताप क्या है, 2 राज्यों के बीच में क्या स्थित है। ये 2 राज्यों का नाम क्या क्या है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 2 राज्य हैं जिनके बीच क्या है ये जल प्रताप स्थित है। ठीक है, क्या है, कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं जिनके बीच में क्या है ये जल प्रताप स्थित है। और यह शिवमोगा से, कहां से, शिवमोगा एक जगह है। शिवमोगा जगह है, वहां से, ठीक है, कौन सा जिला है, यहां से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना, 15 किलोमीटर दूर क्या है स्थित है, जोग जल प्रताप। और सबसे बड़ी खासियत क्या बात है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसकी खासियत मार मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, जो जल प्रताप है, ठीक है, यहाँ शिवमोगा जिले से 15 किलोमीटर आपको किससे जाना पड़ता है, मोटर से जाना पड़ता है। ठीक है, मोटर बोट से जाना पड़ता है। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है, ये साबरमती। ठीक है, शरावती जगह पर क्या है ये मौजूद है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य में क्या है स्थित है। और इससे क्या होते हैं, 4 छोटे छोटे जल प्रताप क्या होते हैं, निकलते हैं, जिनके नाम कितने निकलते हैं, 4 छोटे छोटे जल प्रताप क्या होते हैं इससे निकलते हैं, 3-4 नाम है। सबसे पहला नाम है राजा, और ये 4 छोटे छोटे जल प्रताप है जिससे मिलकर जो जल प्रताप क्या है बना हुआ है। और उसको एक नए नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं जे ठीक है।